डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के लीनियर इक्वेशंस की एलिमिनेशन मेथड को देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड है क्या। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, 2x + 3y = 6 एंड x + y = 4। अब बोला गया इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर। तो करते क्या है, देखो किसी एक वेरिएबल्स को हम x को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं। सपोज हम x को ले लें तो x के आगे के कोफिशिएंट को देखें क्या वो इक्वल है कि नहीं। अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो हम सीधे प्लस या माइनस कर दें। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, जैसे x का ये 2 है, x का ये 1 है, तो कोफिशिएंट यहाँ डिफरेंट है, 2 और 1 है, तो हम इन कोफिशिएंट्स को इक्वल करें। तो इक्वल कैसे करें, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना है। छोटा को बड़ा के बराबर बनाएंगे, ना कि बड़ा को छोटा के बराबर। तो इस इक्वेशन, इसको हम बोले इक्वेशन 1 और इसको बता रहे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स इक्वेशन 1 हम उतार दिए, प्लस 3y = 6 उतार दिए, और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा = 8 हो जाएगा। 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो रहा है, देखो जो कोफिशिएंट इक्वल हो रहा उनको हम प्लस या माइनस करके कैंसिल करेंगे। तो दोनों के आगे का साइन को देखते हैं, अगर दोनों के आगे का साइन सेम है तो माइनस का काम करेंगे, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, ये प्लस है ये प्लस है तो माइनस का काम करेंगे, ये माइनस है तो ये भी माइनस है तो भी माइनस का काम करेंगे। अगर ये प्लस और ये माइनस हो जाए तब हमको प्लस का काम करना होगा। यहाँ सेम साइन है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन को उल्टा करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये दोनों घट जाएगा। फिर 3y - 2y तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, 6 - 8 = 2। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया -2, एक रिजल्ट मिल गया। अब इस y के रिजल्ट को इक्वेशन 1 में डाल दें या 2 में डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, x निकल जाएगा। तो फ्रॉम पुटिंग y इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास क्या मिलेगा, x + y = 4 है, y का वैल्यू -2 डाल रहे हैं, तो x - 2 = 4, तो x = 6, मतलब हमारे पास मिला x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -2। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, सपोज हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 7, और यहाँ 3x - 5y = -2। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2, अगर हम y को ले लें, सपोज इस बार y को ले लें, y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5 डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग करते क्या है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से y का कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 से y का कोएफिशिएंट को 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं पहुंचेगा और 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं पहुंचेगा। इस कंडीशन में
हम लोग को इसके पहले हम लिए थे 2x plus 3y और यहाँ x plus y, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर 2 पहुँच जा रहा था, इसलिए केवल एक पे मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन इसमें 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं पहुँचेगा, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं पहुँचेगा, इसलिए करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ये y का कॉफिशेंट 5 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिए और y का कॉफिशेंट 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिए। एक मिनट, तो आगे देखते हैं तो होगा क्या, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 35, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y